गलती किससे नहीं हुई, किसी से जानकर होती है तो किसी से अनजाने में होती है। जब लोग हम चलते हैं ना महाराज, जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे कई सारी चींटियां, कई सारे जीव मर जाते हैं। तो क्या महाराज जब जीव मर जाते हैं तो क्या गलती नहीं हुई? हुई, पर अनजाने में हुई। तो क्या उसका पाप लगेगा? क्यों जी नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? अंगारा पे पग मेलो, जान के रखो तो ही तुम्हारा जलेगा, और अनजाने में रखोगे तो भी जलेगा। बुरा कर्म किया है, जान के करोगे तो भी महाराज भोगना है, और अनजाने में हुआ तो भी भोगना है। गलतियां तो महाराज संत जन कह रहे हैं। यहाँ भागवत कथा के 28वें पंचम स्कंद के 28वें अध्याय में संत जन कहते हैं नरकों का वर्णन किया गया। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, जिनसे पाप हुआ है, उनको भोगना पड़ेगा। और जैसे ही सुखदेव जी ने कहा तो परीक्षित जी कह रहे हैं, बोले गुरु जी फिर तो संसार में कोई नहीं बचेगा, गलतियां तो सबसे ही हुई है, ऐसा कोई मात्र जीव नहीं है जिससे गलती नहीं हुई हो हमारी। और जब क्या कहा गया है तो संत जन कहते हैं, परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा, बोले गुरु जी प्राश्चित बताइए, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे उन कर्मों का प्राश्चित हो जाए और कर्म के बंधन से जीव छूट जाए। तो पहला प्राश्चित कहा गया है, तीर्थों में जाकर दान पुण्य भजन करने से पापों का नाश होता है। कहां जाकर? गंगा जी जाकर स्नान करने से, दान पुण्य भजन करने से पापों का नाश महाराज प्राश्चित हो जाता है। इतना गंगा स्नान करने से पाप निकल जाते हैं। पर क्यों जी, एक बात बताना आप लोग, सभी लोग वहां स्नान करके आ जाएंगे, सारा पाप वहीं इकट्ठा हो जाता है, कोई गंगा मैया वहीं रख लेगी? नहीं, वो गंगा मैया आगे बहा देगी। आगे बहकर कहां चला जाएगा? बोले समुद्र में। तो क्या सभी का पाप समुद्र रख लेगा? बोले नहीं, समुद्र में से बादल बन जाएंगे और वो बादल में चढ़ा देगा समुद्र, और उसी के खेत में बरसेगा। किसके? छोड़ी ना आयो नहीं उठी ने महाराज। तो कर्म किसी का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। जिस प्रकार हजार गाय चरने जाती है, शाम को महाराज जब गाय चर के आती है तो बछड़ा खोला जाए तो वो बछड़ा सीधा अपनी गाय माता के पास जाता है, उसी प्रकार कर्म करता को ढूंढ लेता है। तो यहाँ परीक्षित जी महाराज पूछ रहे, उपाय बताइए गुरु जी। बोले भजन भाव करने से, तीर्थों में जाकर दान करने से कल्याण होगा। बोले गुरु जी कोई दूसरा उपाय? क्योंकि ये तो गज स्नान हो गया। अच्छा गंगा जी गए, मान लो गंगा जी जाकर स्नान किया, स्नान करने के बाद महाराज दान पुण्य किया, सारे पाप समाप्त हो गए, पर वहां से घर आएगा और फिर घर आकर शुरू हो जाएगा झूठ बोलना, फिर बेईमानी करना, ठगी करना, तो ये तो गज स्नान हो गया ना। बोले जैसे दिन भर हाथी तालाब सरोवर में स्नान करता है और शाम के समय तालाब से बाहर आकर कीचड़ में आकर बैठ जाता है, तो क्या मतलब स्नान करने से दिन भर? क्यों जी, अगर तीरथ गए हैं तो कुछ परिवर्तन हमें आ जाना चाहिए, और तीरथ जाकर आए फिर भी परिवर्तन नहीं आया तो क्या मतलब गंगा जी नाना से? और कथा में गए, कथा में आकर कथा सुन ली, और कथा सुनने के बाद भी परिवर्तन हमें नहीं आया, क्या मतलब कथा सुनने से? कुछ तो कह नहीं महाराज, कथा में गए, घर वाले पूछ रहे कहाँ गए थे, बोले कथा में, क्या लेकर आए, क्या सुना? बोले सुनी यूं सुनी नहीं यूं, बची हुई पल्ला में झटकार दी, घर जावे तो प्रसाद बटरी दोनों भर के प्रसाद लेके गया, घर वाला पूछे कहीं लाया, बोले दोनों भरी ने प्रसाद लाया है, बोले कथा लाया, बोले कथा तो वही रेगी पांडाल में, कल लाऊंगा सच्ची। आप देखना जब लोग नहाने जाते हैं तो रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, विदा करना है कि बद्रीनाथ जा रही हूँ नहावा, गंगा जी जा रहा है स्नान करने, तो रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, तो रिश्तेदार देखते हैं क्यों इकट्ठे होते हैं। आप देखना जब जाते हैं तब भी रिश्तेदार आते हैं, और आते हैं गंगा जी नहाकर आते हैं फिर भी रिश्तेदार आते हैं, क्यों आते हैं? बोले वो देखने आते हैं, जो गंगा जी नहाने जा रहा है तो ये कैसे जा रहा है, इसकी स्थिति कैसी है, और फिर वो जब नहा के आता है तो फिर वो लोग देखने आते हैं कि गंगा नहाकर आया है, इसमें थोड़ा बहुत सुधार हुआ कि वैसा का वैसा ही आ गया, थोड़ा बहुत सुधरियो नहीं सुधरियो,